बहन आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टीम रोस्ट चिकन। उसके लिए मैंने आधा केजी चिकन लिया है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा फूड कलर, वन टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं मिक्स करिए, और इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा। और ये मैंने 3 टेबल स्पून दही ली है। दही में भी मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर मिक्स कर दिया है। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए मसालों को मिक्स कर लेते हैं। पहले इस तरह से मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम चिकन के 1-1 पीस मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसाले इस पर लगा देंगे। सारे पीस पे हमें मसाले को लगाना है। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं बनाना था हमें इसका, क्योंकि हमें इसे स्टीम करना है। बस इतने ही मसाले में बनेगा ये। अच्छे से हमें सारे मसाले को इसमें मिक्स करना है। अगर आपको और तीखा चाहिए तो आप लाल मिर्च नमक और मिक्स कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इस तरह से सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए। अब इसको हम 3 से 4 घंटे फ्रिज में रेस्ट पे रख देंगे, फिर उसके बाद स्टीम कर देंगे। चलिए पहले चिकन को हम रेस्ट पे रख देते हैं। मैंने चिकन को 3 से 4 घंटे रेस्ट पे रख दिया था। अब ये रेस्ट हो चुका है पूरी तरह से, सारे मसाले इसमें अब्जॉर्ब हो गए हैं। मैंने एक तवा लिया है, इसमें 3-4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। चारों तरफ इसको फैला रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं डालना है। अब इसमें हम चिकन को डालेंगे। अभी मैंने फ्लेम को लो रखा है। तो चारों तरफ मैंने सारी चिकन को तवे में डाल दिया है। अब इसको हम लो फ्लेम पे 15 मिनट ढक्कन ढककर एक साइड से पहले पकाएंगे। इसे मैं अच्छे से ढकना है, इसकी स्टीम ज़्यादा बाहर ना निकले। इसको हम 15 मिनट के लिए 1 साइड से पहले पका लेंगे। मैंने एक साइड से 15 मिनट पका लिया है लो फ्लेम पे। अब इसको पलट देंगे चिकन को। मैंने सारी चिकन को पलट दिया। अब इसको हम ढक्कन ढककर 25 से 30 मिनट तक लो फ्लेम पे ही पकाएंगे,
क्योंकि चिकन ने पानी बहुत ज़्यादा छोड़ा है, तो भी ये स्लो फ्लेम पे देर तक थोड़ी पकेगा। इसको हम 25 से 30 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे लो फ्लेम पे। ये मैंने 25 मिनट के लिए इसको पका लिया था ढक्कन ढक्कन। देखिए पूरी तरह से पक चुका है, बस दूसरी साइड से भी हम स्लो फ्लेम पर ही 1 मिनट के लिए हल्का सा स्टीम कर लेंगे। एक साइड से पूरी तरह पक चुका है, सॉफ्ट भी चिकन हो गया है पूरी तरह से। अब हम इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। बस 1 मिनट हम ऐसे ही इसको पका लेंगे। 1 मिनट बाद फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। मैंने 1 मिनट बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। चलिए इसको निकाल कर सर्व कर लेते हैं। ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है, इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया है चिकन। देखिए इस तरह से स्टीम रोस्ट चिकन बनकर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही यम्मी बना है, एकदम ही सॉफ्ट है, ये खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसको घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और ये स्टीम रोस्ट चिकन बनाकर इंजॉय करिए। आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ या ऐसे ही हरी चटनी के साथ इसको खाइए। ये बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू।